नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्मिच की तरफ से स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा। जी हाँ दोस्तों, स्मिच एक बहुत ही फेमस कंपनी है जिसने ये स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा बनाया हुआ है। और इसकी खासियत क्या है, ये एक वाईफाई ऑपरेटेड कैमरा है जिसको आप रख सकते हैं आपके घर में कहीं पे भी, जहाँ से आपको जो एरिया है उसको ऑब्जर्व करना है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये एक, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, 360 कैमरा, यानी कि ये पूरा 360 नहीं, एटलीस्ट 275 डिग्री पूरा रोटेट कर सकता है। तो इसकी ये खासियत है कि आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसका ऐप जो है प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये कनेक्ट हो गया। तो इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों, अगर आपके पास में कोई छोटा बच्चा है जिसको आप रिमोटली मॉनिटर करना चाहते हैं, या फिर इवन अगर आप आपके घर को मॉनिटर करना चाहते हैं, आपके घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ही कैमरा ऑलमोस्ट आपके सारे एरिया को कवर कर सके, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया देखना है, तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इसकी खासियत क्या है कि आप इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विथ योर स्क्रीन ऐप। पूरी तरह से ये लेफ्ट एंड राइट पैन कर सकता है, 275 डिग्री तक इसका पैनिंग है। और इसकी एक और खास बात है कि इसके थ्रू आप बात कर सकते हैं आपके जो घर पे है, अगर आप कहीं बाहर चले गए, आप कहीं और है और आप चाहते हैं कि आपके बेबी से या आपके बच्चे से या कोई भी घर में उनसे बात करें, तो यहाँ पे एक बटन है छोटा सा, यहाँ पे आप क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, हेलो हेलो हेलो, तो ये ईगो हो गया, लेकिन मैं कहीं और चला जाऊंगा तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, तो इसके थ्रू आप रिमोटली कहीं पे भी हो, आप इस कैमरा से आपके घर में बात कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कोई इंट्रूडर आ गया है, तो इमीडिएटली आप यहां से बोल सकते हैं कि भाई साहब, आपको देख रहे हैं हम लोग, आप हमारे घर में आ गए हैं, तो प्लीज़ आप यहां से निकल जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा, या जो भी आप थ्रेट है या आजू बाजू को मैं फ़ोन करके बता दूंगा, वो कर सकते हैं। या फिर आप आपके बेबी के साथ भी बात कर सकते हैं, कहीं आप बाहर है और आपको आपके बेबी को ऑब्जर्व करना है और वो सो रहा है और वो उठ जाए अचानक, तो आप इसको कनेक्ट करके उसको आवाज़ से सुला सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि मम्मा यहीं पे है, ये डैड यहाँ पे है, और कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा एसेंशियल चीज़ है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक स्मार्टफोन की, एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरी, आपको घर में जो है वाईफाई होना चाहिए। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं होगा तो ये सारे चीज़ें जो है वो नहीं चालू होंगे। इसके अंदर और भी फीचर्स है, इसके अंदर आपको मोशन डिटेक्शन का भी फीचर है, यानी कि ये कोई आता जाता है उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली, अगर ये कहीं पे मोशन डिटेक्ट कर लेता है तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर जो है मोशन ट्रैकिंग ऑप्शन भी है, यानी कि ये खुद ट्रैक भी कर सकता है अगर कोई बंदा आता है तो, ये फेस ट्रैक नहीं करता है। तो एज सच मुझे इतना वो इफेक्टिव नहीं लगा, वो सिर्फ पर्सन या कोई चीज़ को ट्रैक कर सकता है, तो वो फेस की तरफ नहीं देखता है। तो इसको माउंट ऐसे करना चाहिए कि आपका जो है हमेशा फेस जो है आपका फोकस में रहे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आप SD कार्ड डाल सकते हैं, अप टू 64 GB तक का SD कार्ड इसमें डाल के रखेंगे तो ये रिकॉर्ड करेगा। अगर आप इसको सेट करेंगे कि मोशन के टाइम पे या साउंड डिटेक्ट करेगा तभी रिकॉर्ड करना है, या मोशन डिटेक्ट होगा तभी रिकॉर्ड करना है, तो इससे आपकी जो है स्पेस जो है फालतू की वो भी वेस्ट नहीं होती। साथ में आपको स्मिच की तरफ से जो है आपको जो क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग है डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर हो जाएगी, आपको इंडिविजुअल जो है खुद का जो डेटा निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐप के थ्रू डायरेक्ट क्लाउड ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग हुई है क्लाउड में। यहाँ पे जो है क्लाउड पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा जो है इसमें स्टोर होता है, और अगर आपने वो परचेज किया होगा तो ही वो ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि ये एक एड ऑन सर्विस है
स्मिच की तरफ से, तो आपको उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेस करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते हैं सब्सक्रिप्शन परचेस करना, तो आप डायरेक्टली आपका एसडी कार्ड डाल के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा इसकी खास बात क्या है, ये जो है ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है, इसको 24 घंटा भी आप ऑन रख सकते हैं, और पूरी तरह से ये है इंडिविजुअल वाईफाई ऑपरेटेड, चल सकता है। तो इसको सिर्फ आपको माउंट करना है। तो बॉक्स के अंदर जो है, अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी थी, फिर भी मैं अंदर आपको बता देता हूँ बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। एक मैनुअल मिलता है, और आपको इसके माउंटिंग एक्सेसरीज कुछ मिलते हैं, यानी कि आपको माउंट करने में जो है वो आसानी हो। जो माउंटिंग प्लेट है वो मिलती है, इस प्लेट के साथ आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं, साथ में स्क्रूज भी आते हैं, अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो उसके साथ में जो है अडाप्टर आता है, ये पावर अडाप्टर है, इससे आप लगा सकते हैं। इसकी केबल भी आती है, अगर आप चाहें तो बड़ी केबल, चाहें तो बड़ी केबल आपको खरीदनी पड़ेगी, बड़ी केबल लगा के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इंफ्रारेड नाइट विजन मोड भी है, यानी कि जब लाइट चली जाती है, अंधेरा होगा तो भी ये कैमरा आपको देख सकता है कि अंदर क्या हो रहा है, मोशन हो रही होगी तो वो मोशन कैप्चर कर सकता है। तो ये एक एडिशनल फीचर है इस कैमरे के अंदर। तो इस कैमरे के फ़ायदे क्या क्या हैं, सबसे पहला फ़ायदा, सबसे मेन फ़ायदा ये है कि ये आपको DVR लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर ही है। ये कैमरा लगा दिया तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, साथ में आपको पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं, DVR लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे बड़े बड़े वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसे आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई टेक्नीशियन ही आके इंस्टॉल करे। इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ यहाँ पे कॉर्नर में, और वो अपना काम करता रहता है, जब भी मुझे चाहिए ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो मैं डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट करके कहीं से भी देख सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। तो दोस्तों मुझे ये कैमरा पर्सनली बहुत यूज़फुल लगा, मैं इसे ऑलमोस्ट 15-20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है। और अगर आप भी सोच रहे होंगे किसी आपके घर में सिक्योरिटी कैमराज लगाना, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, बिकॉज इसकी जो है कॉस्ट भी कंपेरेटिव, जो आप अगर DVR वो सब 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 लेके लगाते हैं, तो आपको मिनिमम 10,000 से 15,000 रुपये आपको सारा सेटअप लगाने में लग जाते हैं। लेकिन ये जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल आपको हो सकता है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं प्राइसिंग, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितनी प्राइस है इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।